जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरुवार को तुलसी के उपाय पैसे और समृद्धि से भर देंगे आपका घर। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधों को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। शास्त्रों के हिसाब से माता लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन समर्पित है, जबकि जगत पिता बृहस्पति देव के लिए गुरुवार के दिन है। लेकिन चूंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को अति प्रिय है, अतः गुरुवार के दिन तुलसी पूजन भी आपको अनेक लाभ दे सकते हैं। पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो का एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आर्थिक संपदा के लिए गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के ये उपाय अपनाएं। नंबर वन, तुलसी में पानी से स्नान। अगर आप अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है, कोई कीमत वस्तु खो गई है, तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसके साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालने और इस पानी से स्नान कर लें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं, तो आपको घिरे आर्थिक लाभ मिल शुरू हो जाएंगे। नंबर टू, तुलसी को अर्पित करें या सामग्री। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपरीत में फंस गए हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। उससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखाना शुरू हो जाएगा। नंबर थ्री, घी का दिया जलाएं। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें खास तौर की प्रतिदिन तुलसी पौधे के नीचे दिया जलाना चाहिए। नंबर फोर, तुलसी का परिक्रमा। अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। नंबर 5, तुलसी के पत्तों को उपाय। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, उसको फेंकने की बजाय उनको लाल कपड़े में बांधकर उसको पर्स में रख लेना चाहिए। इससे पर्स में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। अगर तुलसी के पौधे सूख जाए, तो उसको घर में लगा नहीं रहने दे, बल्कि उसे नदी के प्रवाहित कर दे। नंबर 6, तुलसी के पौधे में गांठ। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है, तो जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र के 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, तो उससे सभी गांठों को खोल दें। नंबर 7, विवाहित महिला करे ये उपाय। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है।